दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों प्लैनेट नेपच्यून का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून के मौसम का बदलना वैज्ञानिकों को काफी हैरत में डाल रहा है। बीते दो दशकों में नेपच्यून के टेम्परेचर में भारी गिरावट आई है। इस बात ने एस्ट्रोनॉमर को परेशान किया है और सोलर सिस्टम के सबसे दूर स्थित ग्रह के रहस्यमय छवि को और मजबूत किया है। जब वे लोग नेपच्यून की भारी परत की रिसर्च से मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि तापमान ज्यादा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नेपच्यून पर एक मौसम 4 दशक लंबा चलता है। वैज्ञानिकों ने स्ट्रेटोस्फीयर के अध्ययन के वक्त अंदाजा लगाया था कि इस हिसाब से तापमान बढ़ गया होगा, लेकिन वे लोग तब हैरान रह गए जब पता चला कि पिछले 2 दशकों में नेपच्यून ग्रह का तापमान अच्छा खासा कम हो गया है। 17 साल लंबी रिसर्च एस्ट्रोनॉमर का यह अध्ययन 95 तस्वीरों पर आधारित है। ये थर्मल इंफ्रारेड तस्वीर 2003 से 2020 के बीच ली गई थी। हवाई और चिली स्थित विशालकाय टेलीस्कोप के जरिए ली गई थी। दोस्तों इस रिसर्च में इंग्लैंड के लेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता माइकल रोमान कहते हैं, हमने वातावरण के बारे में जो अंदाजा लगाया था यह उससे ज्यादा कठिन लगता है। यह एक सबक भी है जो कुदरत बार बार वैज्ञानिकों को सिखाती रहती है। रिसर्च बताती है कि 17 साल के अध्ययन के दौरान नेपच्यून के स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर 14 डिग्री तक गिरा है, जबकि ग्रह के वातावरण की अन्य परत ट्रैपोस्फीयर के तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नेपच्यून सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी माना जाता है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी हासिल है। इसकी एक वजह तो दूरी है, जिसके कारण पृथ्वी से इसकी रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। नासा के वॉयजर 2 यान ने 1989 में नेपच्यून के पास गुजरने का कारनामा किया था, जो अब तक मनुष्य के इस ग्रह के सबसे करीब पहुंचने की एकमात्र कोशिश है। दोस्तों अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए खींची फ्रेश वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।